हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिससे पवनदीप के बारे में पूछना मेरा डेफिनेटली बनता था। इनफैक्ट इस बात का इंतजार, इस समय इस वाकये का इंतजार मैं बहुत लंबे समय से कर रही थी कि कब ऐसा होगा कि मैं मिलूंगी और पूछूंगी कि गाना कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। आप में से भी कई लोगों ने मुझसे ये बोली थी बात की ऐसा कीजिए ना, एक बार जुबिन जी से बात कीजिए ना, वो क्या सोचते हैं, और बहुत सारी तमाम सारी चीजें ऐसी बात हुई है मेरी। सो वो मौका मेरे सामने आ गया था। आपको याद होगा मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी वे आई स्पोक अबाउट की हाउ पवनदीप इज रीचिंग टू उत्तराखंड, और उसके बाद उनके अलग अलग शोज हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस उसमें नहीं है। सो अब फ्रेंड्स बात यह है कि उस समय मैं जस्ट शूट पर जा रही थी, वो था तू सामने आई, ये एल्बम या ये कहूँ ये सिंगल के लिए आई वेंट टू कवर दैट। और उसके लिए एक करजत में एक जगह लेकर गए थे, वहां पर बहुत सारी बातचीत हुई, मीडिया से बातचीत भी हुई और थोड़ा सा मस्ती वन फन वन सब कुछ हुआ। सो ये जो तू सामने आई वाला म्यूजिक जो सिंगल है ये योहानी और जो आपके जुबिन है उनके साथ आया हुआ है। ये योहानी जो कि मानी के मागे हिते ये वाला जो सॉन्ग है, इसमें भयानक वायरल हुई थी, उनकी आवाज भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत स्वीट से दिखती भी हैं। इनफैक्ट मैंने उनसे कहा था ऐसा लगता है आप स्कूल से बाहर निकल कर आए हो, यू डोंट लुक लाइक दैट, यू आर सच अ बिग गर्ल एंड यू आर सच अ बिग यू नो सेलिब्रिटी नाउ। सो शी आल्सो स्टार्टेड लाफिंग, हंसी उनको भी आ गई थी मेरे इस बात से। तो इन दोनों का एक जो सिंगल आया है इसके रिलीज के लिए हम और कुछ मीडिया के मेरे दोस्त हम लोग गए हुए थे कलचर, मुंबई के पास में ही एक थोड़ा सा हिल स्टेशन जैसा है, इतना समझ सकते हैं आप। और फ्रेंड्स ये जो तू सामने आए नाम का एल्बम है ये लद्दाख लेह में शूट हुआ था। अब फ्रेंड्स जब हम लोगों की मीडिया से इंटरेक्शन बात चल ही रही थी तो मैं ऑफ स्क्रीन उनसे ऑलरेडी पवन के बारे में बात कर चुकी थी, मैंने उनसे बहुत सारी बातें की, आप आए थे अच्छा लग रहा था और मुझे आपके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, एंड देन पवनदीप के बारे में बात हुई, लेकिन सर्टनली उतनी लंबी बातचीत नहीं हो पाई जितनी कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर पाए। अब चूंकि कुछ एक बात ऑलरेडी हो चुकी थी इसलिए मैंने उनसे पूछा कि हाल ही में जब प्रेम गीत 3 का गाना आपने गाया भी था, सो ये वाला गाना एक सीरियल भाग्यलक्ष्मी में दिखाई दिया है, नजर आया है, सो आर यू अवेयर ऑफ इट, कि आप जानते हैं, क्योंकि सीरियल में जब भी कोई गाना जैसे बोलते हैं इस्तेमाल में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे समझ लीजिए कि घर की महिलाओं के दिल में वो जगह बना चुका है। तो फिर उन्होंने पवन और इस गाने के बारे में, प्रेम गीत 3 के इस गाने के बारे में क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। जुबिन हियर, हाय, हियर हियर हियर, मैं क्या बोलूं, एक के बाद एक आपके सॉन्ग्स ऐसे आते हैं, धमाकेदार आते हैं कि बस सुनने की इच्छा हो जाती है, और ग्लू टू एंड दिस लद्दाख एंड दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत सुंदर। आपका हर गाना लोगों के दिलों के अंदर चला जाता है, बहुत समा जाता है। मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आपका ये दिल बार बार कह रहा है मुझको। हाल ही में ये वाला गाना एक सीरियल में भी इस्तेमाल किया गया था, आर यू अवेयर ऑफ इट, एंड कैसा लगता है जब महिलाओं के घर और उनके दिल के अंदर भी आपकी आवाज ऐसे सीरियल के थ्रू चली जाती होगी, और गाने के बारे में अगर कुछ कहना चाहें। बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है और दिस सॉन्ग इज बेसिकली द ये एक इंडिया और नेपाल का कॉम्बिनेशन रहा, ये सॉन्ग नेपाली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला, और जो गाने के कंपोजर हैं हमारे उत्तराखंड से पवनदीप राजन हैं। सो आई थिंक इट्स अ यू नो मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, साथ में काम करना और अच्छा काम करना जो लोगों को पसंद आए, लोगों के दिल में जगह बनाए, आई थिंक दैट्स वॉट एन आर्टिस्ट लिव्स फॉर। आर्टिस्ट को एक बार अगर ताली लग जाती है तो फिर मुझे लगता है वो खराब हो जाता है उसको, फिर उसके बाद उसका नशा चढ़ जाता है कि अब ताली चाहिए ही चाहिए, जितनी बार भी स्टेज पे जाऊँगा उतनी बार ताली चाहिए। तो आई थिंक हम लोग सब उसी के सताए हुए हैं, और दैट सॉन्ग इज डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल, लोगों को बहुत पसंद आया वो गाना, रील्स बहुत बनी उस गाने पर डेफिनेटली, और बहुत जल्दी आई थिंक मैं उस गाने को अच्छी तरह से तैयार करके स्टेज पर भी उतारूंगा अपने साथ, सो दैट विल बी अगेन वेरी स्पेशल। फ्रेंड्स सर्टनली ही ऑलवेज सपोर्ट्स पवन, ये हम हमेशा देखते आए ही हैं, और प्रेम गीत के गाने में हुआ कुछ यूं था कि गाना तो पवन ने ही था लेकिन उस समय वो भारत में नहीं थे, इसलिए जुबिन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और जुबिन ने ये वाला गाना उनके लिए गा भी दिया। तो वाह भाई, फाइनली एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से एक अच्छे गायक को एक अच्छा गाना दिया गया है, और
गाना तो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा ही, पवन का गाना है इसलिए। अब आप मुझे बताइए जुबिन की इन बातों से आपको क्या फीलिंग आई, कैसा लगा, और आप जुबिन के बारे में, इस गाने प्रेमगीत 3 के बारे में, कोई ना कोई नाता है के बारे में, अब इतने दिनों बाद जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? जय हिंद।